इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं धाकड़ लाइव न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं नेपियर घास के बारे में कि नेपियर घास को कैसे लगाया जाता है, नेपियर घास कितने समय तक कितनी बड़ी होती है, कितने सालों तक नेपियर घास को काम में लिया जा सकता है, किस किस प्रकार से कौन कौन सी घास प्रोटीन नेपियर घास का होता है। आज हम खड़े हैं श्री राधे गौसेवा समिति धाम परोलिया जो कि झालरापाटन झालावाड़ में है। यहाँ इस गौशाला में जो लैंड है जो कि जैविक तरीके से यहाँ पर नेपियर की खेती की जा रही है, नेपियर घास की जो कि गौशाला यहाँ पर है उसके लिए काफी नेपियर घास पूरा का पूरा यहाँ पर लगा हुआ है। बेसिकली इसको लगाने का जो प्रयास होता है, ये लगभग आप इतने साइज के टुकड़े होते हैं, उनको आप काट के जब ये नेपियर घास बड़ी हो जाती है इसके टुकड़े करके इसको आप सीधा खेत में लगा सकते हैं। लगभग लंबाई की अगर बात की जाए तो 2 फुट में और चौड़ाई की अगर बात की जाए तो 3 फुट की दूरी पर इसके डंडे को आप लगा सकते हैं। ये होता है खड़ा भाग। हम यहाँ पर देख सकते हैं जब डंडे को लगाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं डंडे यहाँ पर पहले गाड़े गए थे, जो साइज थी इस प्रकार की होती है। इस प्रकार के डंडे यहाँ पर लगाए जाते हैं, काफ़ी दिनों बाद लगातार उसमें पानी दिया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी ग्रोथ इस प्रकार की हो जाती है नेपियर घास। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नेपियर घास ये खड़ा नहीं लगा के आड़ा लगाया गया है, जिससे ये अलग अलग जगह से फूट सकता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से फूट रहा है। तो अगर आप आड़ा लगाएंगे गन्ने की तरह इसको चोप में लगाएंगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा ग्रोथ करेगा, लंबा फूटेगा। कैमरा पर्सन नज़दीक से दिखाएं कि किस प्रकार से आड़े डंडे लगाने के बाद में नेपियर घास ग्रोथ करता है, फूटता है और धीरे धीरे उसकी जो पहली ग्रोथ रहती है, क्षमता रहती है फूटने की, वो इस प्रकार की हो जाती है। उसके बाद में थोड़ा और आगे चलते हैं तो नेपियर घास जब बड़ा हो जाता है तो उसकी साइज धीरे धीरे इस प्रकार की इतनी बड़ी हो जाती है। और कहा जाता है कि लगभग नेपियर घास को एक बार लगाने के बाद 5 से 7 साल तक आप सिक्योर हो सकते हैं नेपियर घास को लगाने के लिए। अभी लेटेस्ट नेपियर जो बुलेट चारा आया है नेपियर घास का, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड देखी जा रही है और उसको काफ़ी लोग लगा रहे हैं। कहा जाता है कि उसमें जो क्षमता, उसकी जो मात्रा होती है वो 15 से लेकर 20 तक देखी गई है। तो वर्तमान में नेपियर घास की बुलेट चारा की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसको महाराष्ट्र से आयात किया जा रहा है, जैसा कि सूत्रों के माध्यम से खबर मिलती रही है। हम अगर बात करें नेपियर घास की ग्रोथ की तो जो इसकी बाद में ग्रोथ होती है वो इस प्रकार की होती है। हम आपको बहुत नज़दीक करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से नेपियर घास की साइज इतनी बड़ी हो सकती है, ये आपको बहुत नज़दीक करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कि नेपियर जो घास होती है उसकी साइज इतनी बड़ी होती है, इससे भी बड़ी नेपियर घास हो सकती है। डॉक्टर कैलाश जी भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। आपकी जानकारी में यहाँ पर ये घास है किस प्रकार से, कितने साइज तक आप इसको देख रहे हैं यहाँ पर? इस घास को मैंने 16 से 18 फीट तक इसकी ऊंचाई देखी है मेरे यहाँ पर। नेपियर घास की लगभग जो ऊंचाई है 16 से 18 फीट तक भी देखी जा सकती है। हम यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो बाग है नेपियर घास का वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि गायों के लिए बहुत अच्छा चारा माना जाता है। इसमें प्रोटीन जो क्षमता है, मात्रा है, कैलोरीज वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। कैमरा पर्सन पीछे का भाग दिखाएं, 18 से 20 फीट का लगभग जो ऊंचाई होती है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण है, अगर कोई भी अपने खेत पर फार्म हाउस पर नेपियर घास लगाना चाहते हैं तो एक बार आप यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं। झालरापाटन के परोलिया झाक साकली खेड़ा बीरेखेड़ी क्षेत्र में जो ये गौ सेवा समिति है, श्री राधे गौ सेवा समिति, यहाँ पर नेपियर घास का श्रेष्ठ नमूना आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से नेपियर की खेती की जा रही है, नेपियर घास को लगाया जा रहा है। धाकड़ लाइव न्यूज़ सिर्फ एक माध्यम था आपको दिखाने का। अगर आपको जानना है, समझना है, इसको लगाने की जो दूरी है वो आप देख सकते हैं कि इतनी इतनी दूरी होती है, वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये घास फूटती है, ग्रोथ करती है। ऐसी स्थिति में इसको दूर दूर लगाना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि गन्ने के बाड़ की तरह इसका फुटान होता है, इसकी ग्रोथ होती है। और मेरे पीछे देख सकते हैं आपकी कितनी बड़ी कहीं ना कहीं ऊंचाई इसकी आपको दिख जाएगी। कुछ छोटे पौधे जो हैं, दरअसल जब घास को काट लिया जाता है तो दोबारा फूटना स्टार्ट हो जाते हैं। और कैमरा पर्सन दिखाने का प्रयास करते हैं, ये वो घास है जिसको काट लिया गया था, उसके बाद ये फूटी। तो कहा जाता है इस घास के बारे में कि जब इसको काटा जाता है उसके बाद ये फूटती है, ज़्यादा ग्रोथ करती है। इस घास की सबसे खास बात यही है कि ये काटने के बाद
ज्यादा फूटती है। तो ये महत्वपूर्ण छोटा सा प्रयास नेपियर घास का कवरेज दिखाने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात, इस घास को पानी की भी कम आवश्यकता होती है। तो बने रहिए आपके अपने न्यूज चैनल धाकड़ लाइव न्यूज के साथ। ऐसे ही महत्वपूर्ण कवरेज के लिए, वीडियो के लिए, अपडेट के लिए धाकड़ लाइव न्यूज को आप यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर अपडेट को, नई कवरेज को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपको एक मैसेज देना चाहता हूं हमारे कवरेज के माध्यम से, दो गज दूरी मास्क है ज़रूरी। अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मीडिया के क्षेत्र में कवरेज कर रहे हैं तो मास्क होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। न पता कब कौन से समय आफत आपके ये गले में आके पड़ जाए, और इस कोरोना को हराना है जिससे कि हम मानव समाज के माध्यम से ताकत से मिलकर इस कोरोना से जंग लड़ते हुए इसको हरा सकें। तो बना रहिए आपके अपने न्यूज़ चैनल धाकड़ लाइव न्यूज़ के साथ, जो रखे आपको हर खबर से अपडेट। दर्शकों, साथियों, मित्रों, हमारा नेपियर घास का ये कवरेज, नेपियर घास की खेती कैसे करें, इसका कवरेज आपको कैसा लगा, अपनी राय आप ज़रूर दें। और कोई भी कमी आपको अगर लगती हो तो निश्चित रूप से 9992983422 पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती जो हमें बताई जाएगी या छोटा सा जो हमें सजेशन दिया जाएगा उस पर हम काम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका विश्वास हमारी मेहनत। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।